बिहार के सुपौल में शुद्धिकरण की सियासत देखने को मिली है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, जिसके बाद इसे धोया गया। जीतनराम मांझी ने इसे शर्मनाक करार दिया है। जेडीयू ने भी इसकी निंदा की है। दरअसल स्वाभिमान रैली को संबोधित करने रविवार को जीतनराम मांझी सुपौल पहुंचे थे। यहां उन्होंने दर्जनों नेताओं के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, जिससे नाराज आरजेडी और लोहिया विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को धोया है और फिर से माल्यार्पण किया है। लोहिया यूथ ब्रिगेड ने इस घटना की तीखे निंदा की है। वहीं जीतनराम मांझी ने लोहिया की प्रतिमा धोए जाने के मामले को समाजवादी दलों में ब्राह्मणवादी नकल करार दिया है। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया और समाजवाद किसी की बफौती नहीं है और लोहिया का अपमान तो उनकी प्रतिमा धोने वालों ने ही कर दिया है। दो तस्वीरें आपके सामने, मांझी ने जब माल्यार्पण किया था और उसके बाद की तस्वीरें शुद्धिकरण की। जीतनराम मांझी जी कभी भी जो है समाजवाद का एक भी जो है तो उन्होंने विचार नहीं किया और समाजवाद का कोई काम नहीं किया। जो इसका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सोच विचार था उसके बिल्कुल जो है तो ये जो है तो उसके जो है तो उल्टा करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने लोहिया विचार मंच के जितने भी हमारे साथी है उन लोगों ने अपना तय किया तो पुनः जो है इनको जो है तो माल्यार्पण किए और धोए हैं। जीतनराम जी लोहिया जी के कर्पूर ठाकुर के या कोई भी हो से पहले के उसके विचारधारा के अनुसार नहीं चले। हम लोग इसका फिर से धोए हैं, गंगा जल से इसका शुद्ध किया है। वही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं इस पर कोई मुकदमा नहीं करूंगा, लोहिया ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ये सारा कार्य कुकृत्य है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और हम तो समझते हैं कि जो लोहिया विचार मंच के वहाँ हमारे जो साथी हैं जो देखते हैं उसको उनको तो उस पर मुकदमा करना चाहिए। लेकिन हम अपने तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। हम कहते हैं यही कि लोहिया जी के संस्कार ऐसा हो कि उसको सद्बुद्धि दें कि कम से कम आगे ऐसा न हो। उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा कि लोहिया सभी के नेता हैं। नहीं, वो किसी ने भी जो किया है वो ठीक बात नहीं है। यानी डॉक्टर लोहिया किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और डॉक्टर लोहिया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, यदि इस देश में कोई एक वाहिद नेता है जो कमजोर तबके है ना, जिसने नारा दिया संसो पाने बांधी गाठ पिछड़े पावे, तो मुसलमान जो कमजोर तबके के लोग, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछड़े, किसान, इनके वो वाहिद नेता हैं।